जयपुर में है एक सुंदर सा हवा महल, जहाँ की फोटो या वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी और शायद यही सोचा होगा ना कि हवा महल महज एक दीवार है। लेकिन 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 क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे 5 मंजिल वाला बड़ा सा महल है। यहाँ ना तो कोई सीढ़ी है और ना ही कोई लिफ्ट। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए ना रैंप से जाना होता है। एक और खास बात पता है क्या, हवा महल की बनावट ऐसी है कि अंदर से बाहर सब कुछ दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर क्या हो रहा है इसका पता नहीं चल सकता। इसे जयपुर के सिटी पैलेस के एक हिस्से के रूप में बनाया गया, इसी वजह से इस महल का कोई एंट्री गेट नहीं है। हवा महल को जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। पर क्यों, चलिए आपको इसकी पूरी कहानी सुनाते हैं। साल 1999, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल खास तौर पर रानियों के लिए बनवाया। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसी वजह से उन्होंने महल को मुकुट की शेप दी। बस तभी से इसे जयपुर का मुकुट कहा जाने लगा। महल के अंदर 3 मंदिर भी बने हैं। लोकल 18 ने हवा महल के टूरिस्ट गाइड अशोक करदिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि तीज और गणगौर जैसे त्योहार ना बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे, लेकिन रानियों को तो बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। तीज की सवारी बाजार से निकलती थी जो रानियां नहीं देख पाती थी, और हवा महल बनने के बाद से रानियां खिड़कियों से बाहर का नजारा देखा करती थी। इसके डिजाइन की बात करें ना तो इसे मुगल और राजपूत शैली में वास्तुकार लाल चंद्र उस्ताद ने डिजाइन किया है। हवा महल में बनी एक एक खिड़कियों से ना ठंडी और खिली खिली हवा आती है, इसीलिए इसे पैलेस ऑफ विंड भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में भी महल में ठंडी हवा आती है, बस इसी वजह से लोग इसे हवा महल कहते हैं। हवा महल सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। अगर आप इस महल को अंदर से भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए 10 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप गुलाबी नगरी जयपुर घूमने का प्लान बनाएं तो हवा महल को अपनी बकलिस्ट में जरूर रखें।